कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा नई पंचायतों के गठन में स्पष्ट नीति न होने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार इस मामले पर भेदभाव कर रही है। जो पंचायतें पुनर्गठित होनी चाहिए उनकी अनदेखी की जा रही है और जो नहीं होनी चाहिए उनको किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पंचायत चुनावों के दृष्टिगत सरकार राजनीतिक लाभ के लिए भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में आरक्षण का रोस्टर लागू करने में भी स्पष्ट नीति न बनाकर भेदभाव की नीति अपना रखी है। दीपक शर्मा ने कहा कि गांव के निर्माण की पंचायती राज संस्थाएं मुख्य आधार है, अतः इनमें राजनीति से उठकर कार्य करना चाहिए ताकि समान एवं समग्र विकास की प्रक्रिया को जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने विशेषकर भारत रत्न राजीव गांधी ने पंचायतों की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए। महिला आरक्षण जिसमें एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की मूल भावना को बनाए रखते हुए सरकार कार्य करे, तभी पंचायतें सुदृढ़ होंगी और विकास गांव तक पहुंचेगा। दीपक शर्मा ने कहा कि इन संस्थाओं में राजनीतिक उद्देश्य से किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। पंचायती राज संगठनों के चुनावों से पहले सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की है, जिसमें हमारा ये कहना है कि सरकार इसके बारे में एक स्पष्ट नीति, एक समान नीति बनाए। जिस तरह से एक प्रक्रिया की सूची बाहर आ रही है, उसमें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पंचायतें होनी चाहिए वो उनका पुनर्गठन हो नहीं रहा है और जो नहीं होनी चाहिए उनका हो रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी राजनीतिक फ़ायदा लेने के उद्देश्य से इसको ना करे, क्योंकि ये देश के विकास का मूल आधार है पंचायतें। और कांग्रेस पार्टी ने पंचायतों को जिस तरह से सुदृढ़ किया है, जिस तरह से इनमें महिला आरक्षण और अन्य जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की हैं पंचायती राज एक्ट में, उस जो मूल भावना है उस विकास की, वो उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। एक और बात जो हम कहना चाहते हैं कि जो पंचायतों में और स्थानीय निकायों में आरक्षण देने की नीति है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। किसी तरह का भेदभाव या राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर इन संस्थाओं के साथ किसी तरह की छेड़खानी की गई, कांग्रेस को ये मान्य नहीं होगी।